अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नहीं स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों को एक अहम जानकारी है जो कतर QVC के लेकर है। तो दोस्तों वो जानकारी क्या है ये मैं वीडियो में आपको बताऊंगा और कुछ और भी कतर से खबरें आ रही है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं QVC के बारे में बता देता हूँ। तो साथियों सबसे पहले मैं QVC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ कतर वीज़ा सेंटर। बस आपको यहाँ पे सिंपली में यहाँ पे टाइप कर लिए, उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑफिशियल पेज खुलकर आ जाएगा जो कतर वीज़ा सेंटर का है। तो नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ कतर वीज़ा सेंटर QVC, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक पेज और खुलेगा, तो ये लोडिंग लेगा। तो इसमें आपको बोलेगा लैंग्वेज को सेलेक्ट करने, तो दोस्तों मैं लैंग्वेज इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे दोस्तों मैं सबको जो समय माता वही सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको बोलेगा आप कंट्री सेलेक्ट करने के लिए, तो कंट्री में सेलेक्ट करता हूँ इंडिया, क्योंकि दोस्तों इंडिया से एक अपडेट आ रही है। तो इंडिया में दोस्तों जैसे मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों ऊपर आपको दिखा हुआ स्क्रॉल डाउन करता हुआ लिख रहा होगा कतर वीज़ा सेंटर दिल्ली लखनऊ मुंबई एंड हैदराबाद विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे। यानी दोस्तों मंडे के दिन यानी 29 मार्च आज के दिन वहाँ पे जो QVC सेंटर है वो सारा का सारा बंद है क्योंकि होलीडे है, होली के मतलब दोस्तों आज होली है इसलिए दोस्तों वहाँ पे बंद किया गया। दोस्तों तो दोबारा जो खुलेगा वो 30 मार्च 2021 से खुल जाएगा और जो भी दोस्तों वहाँ पे लोग जाना चाहते हैं चाहे वो लखनऊ हो वहाँ पे आप लखनऊ मुंबई दिल्ली कहीं भी आप जा सकते हो। दोस्तों आज के दिन वहाँ पे आज के दिन पूरे इंडिया में होली मनाया जा रहा है इसलिए वहाँ पे QVC सेंटर को फिलहाल। साथियों अगली जो खबर आ रही है दोस्तों 566 प्रिकॉशन फॉर वॉलेटिंग COVID-19 प्रिकॉशन मेजर। दोस्तों वहाँ पे 566 लोगों को वहाँ पे पकड़ा गया। पकड़ने का रीज़न ये था कि सभी लोग वहाँ पे COVID-19 के बनाए गए नियमों को सब उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद 507 लोगों को ऐसा पकड़ा गया जो कि वो बिना मास्क के वहाँ पर घूम रहे थे। बिना मास्क की वजह से ना पहनने की वजह से उन लोगों को पकड़ा गया है और 51 लोग ऐसे जो अपने मोबाइल पर एतराज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए थे, जिसके बाद सभी को पकड़ा गया। टोटल दोस्तों 566 लोगों को पकड़ा गया। लॉ नंबर 17/1990 के तहत जो भी इन्फेक्शन डिजीज फैलाने में यदि उसको बढ़ावा देता है तो उसे पकड़ा जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे फाइन लगाई जाएगी। फाइन यदि वो नहीं भरता है तो उसे जेल भी जानी पड़ सकती है। तो फिलहाल 566 लोगों को फिर से पकड़ा। साथियों अगली जो खबर दोस्तों आ रही दोस्तों वो कतर का वीजा को लेकर है और कतर फ्लाइट को लेकर। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा, फेक वीडियो चलाया जा रहा है कि कतर का जो वीजा दोस्तों वो बंद कर दिया गया और कतर की फ्लाइटें जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई। तो दोस्तों ये सब बिल्कुल अफवाह वाली बात है। जो भी लोग इस टाइप का वीडियो बना रहे बस आपको व्यू पाने के लिए बना रहे, कतर का कोई भी फ्लाइटें बंद नहीं की गई है। जैसा फ्लाइट चल रहा था वैसा ही चल रहा है, नॉर्मल फ्लाइट नहीं चल रही, स्पेशल फ्लाइट जैसा कि हर देश के लिए चलाया जा रहा था उस तरह का फ्लाइट अभी भी चल रही है। और जो वीजा को इशू किया जा रहा था जिस तरह से पहले किया जा रहा था उस तरह से अभी भी वीजा इशू किया जा रहा है, नॉर्मल तरीके से वीजा इशू नहीं हो रहा, कुछ सिलेक्टेड कंपनियों द्वारा वीजा को इशू किया जा रहा था। दोस्तों जो भी वीडियो आप देख रहे हो कि कतर का फ्लाइट बंद हो गया या फिर कतर का वीजा बिल्कुल बंद कर दिया गया एकदम लॉकडाउन की तरह, तो वो बिल्कुल अफवाह है दोस्तों। ऐसी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें क्योंकि अभी कतर का ना वीजा बंद हुआ ना फ्लाइटें वगैरह बंद हुई है। कतर की फ्लाइटें भी चालू है, वीजा भी चालू है, पर जिस तरह से मतलब नॉर्मल तरीके से वैसा नहीं चालू है, जैसा चल रहा था कुछ दिनों से वैसा ही अभी भी चल रहा है। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कतर से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ले अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।